पीसीएस करियर न्यूज में अभी की खबर है, खबरों में हॉर्मुज जलसंधि। हाल ही में ईरान ने महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास दो तेल टैंकरों को जब्त करने का प्रयास किया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ओर्मुज जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य 55 से 95 किलोमीटर चौड़ा है। ये ईरान उत्तर को अरब प्रायद्वीप दक्षिण से अलग करता है। इसमें केशम यानी किशम, हॉर्मुज और हैंगम या हैंजाम द्वीप स्थित हैं। बता दें कि सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल के शिप को इसी जलमार्ग से गुजरना पड़ता है। अब जानते हैं जलडमरू मध्य के बारे में कि ये क्या होता है। तो ये एक सकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों और झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है। ये दो बड़े जली भागों में जलसंधि होने के बाद ये मार्ग संचालित होता है।